दोस्तों नमस्कार। डॉग्स में अभी आजकल देखने को मिल रहा है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्जी की शिकायतें बहुत ज़्यादा मिल रही है। कब्जी के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कब्जी जब हो जाती है तो उस समय एक यूनिक ट्रीटमेंट है जिसकी मदद से हम कब्जी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और घर बैठे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो भी मेडिसिन आप देते हैं अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जब भी किसी भी डॉग को कब्जी आपको मिले, यानी कि जब भी वो पोटी कर रहा है, जोर लगा रहा है, या पोटी जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ रही है या पोटी नहीं आ रही है, अगर कोई भी स्थिति हो, कितना भी जोर लगा रहा है लेकिन पोटी नहीं आ रही है, तो कोई भी स्थिति हो उसे हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज कहते हैं। और ये जो कब्ज जब हो जाती है ना, तो भाई डॉग का पूरा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, उसका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, कभी कभी पेट दर्द भी होता है, मतलब इतनी सारी शिकायतें, खाना पीना भी वो कम कर सकता है। तो इतनी सारी शिकायतें, कॉन्स्टिपेशन एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इससे पैदा हो जाती है। इसके अलावा अगर ये लंबे समय तक चली तो भाई कई बार इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का रूप ले लेती है, यानी आंतों में रुकावट का रूप ले लेती है और उस समय फिर स्थिति खराब हो जाती है। तो आज मैं एक ऐसा ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, घर बैठे आप इलाज कर सकते हैं, लेकिन पशु चिकित्सक की सलाह से करना है। नंबर वन, आपको डिवॉर्मिंग करवानी है। देखिए जब भी कोई डॉग कब्ज से ग्रस्त हो तो पहला काम आप डिवॉर्मिंग का कीजिए, किसी भी अच्छी दवा से आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। हमने बहुत सारी दवाएं आप लोगों को बताई है, कोई सी भी अच्छी दवा दे दीजिएगा, एक बार डिवॉर्मिंग करवाना जरूरी है। उसके बाद आप 10 दिन तक लिवर टॉनिक देते हैं, तो लिवर टॉनिक आप लगातार चालू रखिए। जो ही आपको पता चले कि डॉग को कब्ज हो गए हैं, तुरंत सोचिए डिवॉर्मिंग करवाए हुए कितने दिन हुए हैं। अगर 1.5 महीना 2 महीना हो चुका है तो पहले आप डिवॉर्मिंग करवाइए अच्छी दवा से। अगर डिवॉर्मिंग करवाए हुए 20 ही दिन हुए हैं लेकिन पिछली बार आपने कोई जेनरिक दवा दे दी, अच्छी दवा नहीं दी, तो आप सोच लीजिए वापस करवानी पड़ेगी। तो आप डिवॉर्मिंग वापस करवा दीजिए। फिर लीवर टॉनिक जो है, लीवर टॉनिक में अगर कब्ज होती है ना तो उसमें लीवर टॉनिक की डोज को 1.5 गुना कर देते हैं, यानी नॉर्मली अगर हम 15 ml देते हैं तो कब्ज में हम 20 से 25 ml रोज लीवर टॉनिक देंगे, तब जा करके आराम मिलेगा। ये बातें मैं हर वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन आज जो कब्ज का फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो बहुत ही सुपर है, सुनिए। इसमें आपको 3 चीज़ें लेनी है। नंबर 1, ये चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, भाई इसको आप सबसे इम्पोर्टेंट मानिए, आप देख पा रहे हैं इसबगोल का पाउडर। जी हाँ, इसबगोल की भूसी भी आती है, लेकिन इसबगोल की भूसी नहीं लेकर के हम इसबगोल का पाउडर लेंगे। ये पाउडर आपको मार्केट में मिल भी जाएगा और पाउडर हम इसबगोल से बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे दाने दाने होते हैं, उनको पीस लीजिए। तो ये जो इसबगोल जो है वो आपको 1 चम्मच लेना है। नॉर्मली 5 से 10 किलो के डॉग के लिए 1 चम्मच इसबगोल बहुत होता है, तो ये आपको देना होता है। इसके अलावा सेकेंड में आपको इसबगोल देना कैसे है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नारियल के तेल के साथ देना है। जी हाँ, नारियल, कोकोनट ऑयल, ये नारियल का जो तेल है 1 चम्मच लीजिए और 1 चम्मच आप इसबगोल पाउडर लीजिए। और साथ में आपको लेना है कद्दू, पम्पकिन। अगर आप खाने में पम्पकिन नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर पम्पकिन ऐड कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप पम्पकिन की जो गिरी होती है, मतलब पम्पकिन को आप बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जो गिरी रहती है उसे आप अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बना लीजिए। 1 चम्मच ये पेस्ट ले लिया, 1 चम्मच इसबगोल ले लिया और 1 चम्मच आपने ले लिया कोकोनट ऑयल। तीनों को मिला करके अगर उस डॉग को आप देते हैं जिसको कब्ज है, वजन 5 से 10 किलो पर ये डोज दी जाती है, अगर बड़ा है तो थोड़ी सी डोज को बढ़ा दी जाती है, किसी भी तरीके से आप खिला दीजिए, कब्ज की समस्या जो है वो तुरंत दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट डिटेल से जानना चाहते हैं तो आने वाली 11 तारीख से हमारा डॉग ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है, उसमें आप हिस्सा लेकर के डॉग्स रिलेटेड ऑल ओवर जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं।